सोनकच्छ के भौरासा में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद दास मोदी और प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह रघुवंशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी नेता प्रहलाद दास मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो गरीब वर्ग के तबके तक पहुँच सके, यही मोटिव है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार माध्यम का जो संगठन है उसका मैं आज अध्यक्ष घोषित हुआ हूँ। उसकी शपथ ग्रहण विधि आज महाकाल के सानिध्य में हो चुकी है। अब हमें प्रधानमंत्री ने जो लोक जनशक्ति पैदा करने के लिए, गरीबों के दर्द दूर करने के लिए जो जो योजनाएं घोषित की है वो सभी योजनाओं को फलस्वरूप उनका फल छोटे से छोटे इंसान को छोटे गांव में दूर दराज में रहते हुए लोगों को मिले वो काम करने के लिए आज से हम संकल्पबद्ध हुए हैं और इसमें जुटने वाले सभी कार्यकर्ताओं को एक ही लक्ष्य रखने का है। प्रधानमंत्री का ये जो काम है वो कहाँ कैसे पहुंचाया जाए और उसका लाभ दिलाया जाए, यही काम करने का हमने सोचा है, करते रहेंगे। ये मध्य प्रदेश में इसकी पूरी टीम की घोषणा आप कब तक करते हैं? मध्य प्रदेश में पूरी टीम ऑलरेडी काम कर रही है, उसमें बढ़ोतरी करने की है। वो मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जो सक्रिय है और सक्षम है वो उसमें आगे बढ़ेंगे। बता दें, भोपाल जाते वक्त गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के पास प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद दास मोदी के लिए स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनकच्छ से न्यूज़ के लिए कल्किराज डाबी की रिपोर्ट।